हेलो गाइस, रवि एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद मी। सो गाइस, मैं आज अपने कैमरे का रिव्यू करने वाला हूँ, फ्लायरफ्लाई 8SE। जैसे आप सभी लोगों को पता है, मैंने न्यू कैमरा खरीदा है, तो बहुत लोगों के मुझे मैसेज, DMs आए, कमेंट्स आए कि भाई ये कैमरा का एक रिव्यू तो बनता है। जैसे मैंने खरीदा, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में हो जाएगा, वो देख लीजिए। उस पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया, पर लोगों ने मुझे कमेंट किए। इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट डाला था, उस पर भी कमेंट आए कि भाई इसका रिव्यू बता दो, क्योंकि मैंने ऐसा बताया है कि वो बेस्ट है मोटो व्लॉगर्स के लिए। तो क्यों बेस्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये है ऑरेंज कलर का उसका बॉक्स, तो उसको खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। और ये मैंने खोल दिया, तो आपको फर्स्ट यहाँ पे कैमरा मिलेगा, ऐसी केसिंग के अंदर होगा ये कैमरा, सेम लाइक दिस। और उसके बाद कुछ थोड़े बुक्स मिलेंगे, यहाँ पे पूरा लिखा है, पूरा डिटेल लिखा है कैमरे के बारे में कि आप कैमरे के साथ कैसा क्या, आपको जो कुछ देखना है तो ये इसके अंदर लिखा है। और एक ये बॉक्स मिलता है, जैसे आप इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे स्टिकर्स मिलेंगे, मेन थिंग ये माइक्रोफोन मिलेगा, और ये बहुत सारे इसके क्लिप्स मिलेंगे, ये गार्ड भी मिल जाएगा इसका, कवरिंग का, केसिंग का, क्लॉथ, टेप, 3M टेप, और बहुत सारे अटैचमेंट्स, नट, स्क्रू, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है इसके साथ। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये देखा जाए तो ये आ जाता है बॉक्स का पार्ट। तो अभी कैमरे के क्वालिटी के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये है वो कैमरा, ये ऐसा दिखता है ये कैमरा। और यहाँ पे ये 2 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले है, इसे आप टच भी कर सकते हैं यहाँ पे, और एक साउंड देता है ये टच करने के बाद। और इसमें 12 मेगापिक्सल का IMX117 का सेंसर दिया है, जो GoPro Hero 3 में है, तो क्वालिटी में कुछ इशू नहीं होगा। और इसका मैक्सिमम क्वालिटी रिकॉर्ड जो कर सकता है वो है 4K 30fps पे। तो चलिए देखते हैं 4K 30fps अभी। तो मैं अभी Firefly 8SE से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे एक्शन कैम से, और अभी मेरा सेटिंग है फुल सेटिंग पे 4K 30fps वाइड एंगल पे। तो बट 4K 30fps पे आपको जायरो सेंसर, जो स्टेबलाइजेशन है, वो नहीं मिलेगा। इफ़ आपको सिर्फ स्टेबलाइजेशन के लिए ही चाहिए कैमरा, और वो भी 4K रिकॉर्डिंग करने वाला, तो आपके लिए ये कैमरा नहीं है। 1080 में भी खुश है, पर 1080 में भी आपको जायरो सेंसर मिलता है स्टेबलाइजेशन, और वो बहुत डोप है स्टेबलाइजेशन इसका, आप सोच भी नहीं सकते इतना भारी स्टेबलाइजेशन है। और मैं ये रिकॉर्डिंग अपने इंटरनल माइक्रोफोन से ही कर रहा हूँ, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल रहा होगा। बट 4K में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ तो 4K में आपको वाइड एंगल, जो ये वाइड एंगल है, एक मीडियम, जो ये है मीडियम मोड, आप जैसे देख सकते हैं फ़र्क दिख रहा है वाइड एंगल मीडियम में, तो ये सिर्फ 4K में आप शूट कर सकते हैं। 1080p में फिर आपको वाइड एंगल मिलेगा, बट 1080p में आपका एक फ़ायदा है, आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है जो 4K में नहीं मिलता है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और आपको इसमें स्लो मोशन टाइम लैप्स का ऑप्शन मिलता है, स्लो मोशन भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्लो मोशन वीडियोस एंड टाइम लैप्स वीडियोस भी। तो अभी मैं स्विच करता हूँ 1080p में, तो आप देख सकते हैं 1080p का आपको रिकॉर्डिंग और एक्सपोजर देख लीजिए आप कैसा स्विच हो रहा है। ये कंप्लीट 4K 30fps पे शूट हो रहा हूँ मैं, और स्टेबलाइजेशन भी देख लीजिए, मैं चल रहा हूँ अभी, तो आपको प्रॉपर आइडिया मिल रहा होगा। मैं कुछ इसको रॉ एडिट नहीं करने वाला, सिर्फ इसको रेंडर 1080p में कर दूंगा 60fps पे, क्योंकि मेरा कंप्यूटर उसके बाद उसके फोर नहीं रेंडर कर पाएगा। तो अभी मैं 1080p 60fps पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जायरोस्कोप सेंसर ऑन है, तो आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है 4K से भी, आपको समझ में आ रहा होगा इसका स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है 1080p में। तो गाइज, मैं एक ही बात बोलूँगा, मोटो व्लॉगिंग के लिए आपको $100 में क्या चाहिए, मैंने ऑफ़र में था इसलिए ले लिया, इंडियन रुपीज़ 10,500 समथिंग इतना मैंने भरा, मुझे पता है। तो इतने में आपको ये कैमरा एकदम डोप है, और बहुत सही है ये कैमरा गाइज, आप पक्का लीजिए। और आपको दिख रहा होगा ये वाइड एंगल में शूट कर रहा है,
जैसे मैं अभी अपने टेरेस पे आया हूँ शूट करने के लिए, तो आप एक्सपोजर चेंज भी देख सकते हो। और 1080p पे सिर्फ वाइड एंगल शूट होगा और कुछ नहीं। और अभी इंटरनल माइक्रोफोन से आप देख लेते हैं कैसा साउंड आ रहा है। तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्सटर्नल माइक से, जो कंपनी के साथ फ्री मिला है। और ये एक्सटर्नल माइक आपको बहुत ड्रास्टिक फ़र्क समझा होगा, ऑडियो में बहुत चेंजेस हो गए। जैसे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था इंटरनल से, जो कैमरे के अंदर है उससे आपको विंड ब्लास्ट, और एक बग है इसके अंदर जो आप रिकॉर्ड करते हो इसके अंदर से एक अजीब सी साउंड आती है ऑडियो में से। आई गेस वो मोटर के अंदर का साउंड आता है। और मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा आवाज़ भी आता है और पीछे से वो साउंड कॉन्स्टेंटली आते रहता है। वो एक प्रॉब्लम है ये एक्शन कैम का। बट आप एक्सटर्नल माइक लगाओगे, आप मोस्टली तो इसको मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करोगे, तो आपको साउंड की क्लैरिटी समझ में आ रही होगी कैसी है और कैसी नहीं है। आप भी जज कीजिए अभी कैसा है ये साउंड। अभी मैं टेरेस पे हूँ, जैसे पहले रिकॉर्डिंग चल रही थी, अभी सिर्फ मैंने एक्सटर्नल माइक लगा लिया है, तो आप ही जज है वो। और ये कैमरा एनी टाइम बेस्ट है, क्योंकि आपको कुछ खरीदने की गरज नहीं है, सब कुछ आपको बॉक्स में मिल रहा है। इंटरनल माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन सब है, सिर्फ आपको कैमरे में अटैच करना है और यू आर गुड टू गो। और आप इसमें मैक्सिमम 128GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 128GB का मेमोरी कार्ड आप इसमें अटैच कर सकते हैं, और तो आप अप्रॉक्स 4K का शूटिंग 1 आवर तक कर सकते हैं, और 1080p में शूट 1 आवर 20 मिनट्स या 10 मिनट्स तक अप्रॉक्स ये चल जाता है, चालू रहता है। इसका बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छा है, जो गियर बेस पे 1500 का मिल रही है, साथ में बैटरीज मिल रही है और साथ में चार्जिंग का स्लॉट भी मिल रहा है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इफ़ आप इंटरेस्टेड हो ये कैमरा में, और एल्स वो बैटरी के स्लॉट में भी, तो आप जाके बाय कीजिए। तो मैं कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ कैमरे के अंदर का, तो मैं अभी अपने मोबाइल से शूट करूँगा कैमरे के अंदर को, तो स्विच करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है मेमोरी कार्ड का स्लॉट, वहाँ से आप 128GB तक की मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। और पीछे के साइड देखा जाए तो ये है पावर बटन, आपको चालू करने के लिए इसको होल्ड करके रखना है, तो जैसे चालू होगा ये लाइट ब्लिंक होना चालू हो जाएगा। तो ये ब्लू लाइट इंडिकेट करता है कि वीडियो मोड है, और जैसे आप स्वाइप करेंगे ऐसा तो कैमरा चालू हो गया, तो ये ग्रीन लाइट इंडिकेट करता है कैमरा मोड चालू है। तो यहाँ पे है USB स्लॉट, ये HDMI स्लॉट, यहाँ पे है ये टच स्क्रीन, ऑप्शन है 4K 30fps। मैंने जैसे उस पर स्विच कर लिया तो आपको यहाँ पे FOV करके एक मोड होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था वाइड एंगल, मीडियम मोड, नैरो मोड, तो ये तीन मोड होते हैं। ये तीन मोड आपको 1080p में नहीं दिखाई देंगे। जैसे मैंने 1080p 60fps पे स्विच किया तो FOV का मोड ऑफ है, जैसे आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी स्विच हो जाता है वाइड एंगल पे, हम कुछ उस पर चेंजेस नहीं कर सकते। बट इसमें जायरोस्कोप सेंसर है जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो आपको बहुत डिफरेंस मिल जाता है। और ये सेटिंग्स आप, जैसे मैं आपको और दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करके आपको वीडियो लैप्स का मोशन होता है, तो वीडियो लैप्स में आप कम से कम 4K 30fps पे शूट कर सकते हो टाइम लैप्स। और इसमें आपको वाइड एंगल, नॉर्मल, ये आपकी मर्जी है कुछ क्या स्विच करना है आपको, और आप सब पे 30fps। और स्लो मोशन की बात करें अभी, तो स्लो मोशन में जैसे जाते हैं हम, तो स्लो मोशन आप 1080p 120fps तक आप शूट कर सकते हो, और 720-240fps तक शूट कर सकते हो। तो आपको स्लो मोशन का अंदाज़ा हो जाएगा कितना स्लो हो सकता है ये कैमरा और कितना अच्छा शूट कर सकता है ये कैमरा। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इफ़ आपको ये कैमरा अच्छा लगा तो स्पेशली उसके लिए एक लाइक दे देना, और ये वीडियो को गाइस शेयर कीजिए। ये बेस्ट मोटो व्लॉगिंग कैमरा है अब तक मैंने देखा है। जैसे SD कैम में भी इतने सारे सामान, इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, आपको सब अलग अलग से बाय करना पड़ता है, और SD कैम का माइक ही कुछ 1500 का है, तो आप गेस कर सकते हैं कितना महंगा पड़ रहा है। बट ये आपको अच्छा कॉम्बो पैकेज मिल रहा है मोटो व्लॉगर्स के लिए। तो गाइज आप मेरा वीडियो जाके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे आगे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। लॉन्ग राइड का भी प्लान चल रहा है, तो उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तो फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।